हेलो गाइस, आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने फोन को चार्ज पर लगाएं तो आपका फोन बहुत स्लो चार्ज होता है या फिर चार्ज ही नहीं होता, या फिर अगर चार्ज होता भी है तो वो घंटों ले लेता है। तो हेलो गाइस, मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि आप कौन सी 5 ट्रिक को इस्तेमाल करके अपने फोन की चार्जिंग स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने फोन को ज्यादा स्पीड चार्ज कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शाहिद एंड यू आर वाचिंग टेक इट शाहिद। तो गाइस, पहला काम आपको ये करना है कि आप अपने फोन को चार्ज लगाते वक्त अपने बैक कवर को जरूर निकाल दें। यस गाइस, अपने बैक कवर को निकाल कर ही आप अपने फोन को चार्ज पर लगाएं। इससे होता यह है कि अगर आप अपने फोन को बैक कवर लगाकर चार्ज पर लगाएं तो उससे फोन से कुछ हीट जनरेट होती है और वो हीट आपके बैक कवर में भी जाती है, लेकिन अगर आपने बैक कवर उतार कर नहीं रखा तो दोनों हीट मिलकर आपके फोन को थोड़ा स्लो चार्ज करती है। तो इसलिए आप अपने फोन का बैक कवर जरूर निकालें और उसके बाद ही अपने फोन को चार्ज पर लगाएं। दूसरी टिप ये है कि आप अपने फोन को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। यस गाइस, ना आपको अपने फोन को तकिए के नीचे घुसा कर रखना है या ना ही किसी गर्म जगह पर रखना है। इससे फोन को चार्ज करते वक्त आपके फोन में थोड़ा हीट जनरेट होती है, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो इससे आपको फायदा होगा और आपका फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको गर्म माहौल में रखेंगे तो आपके फोन पर बुरा असर पड़ सकता है और इससे आपकी चार्जिंग स्पीड बहुत कम हो सकती है। उसी के साथ साथ गाइस, एक चीज और बता दूं कि आप जब भी अपने फोन को चार्ज करने जाएं तो उससे पहले आप अपने चार्जिंग पोर्ट को जरूर क्लीन कर दें और अपने चार्जिंग पिन को भी थोड़ा क्लीन कर लें, क्योंकि वहां पर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इससे आपके फोन को चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तीसरी टिप ये है कि गाइस, अगर आपका फोन को आप ज्यादा स्पीड से चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करना होगा, या फिर वो चार्जर जो दूसरे के हो लेकिन ओरिजिनल चार्जर हो। उसी तरह आप अगर यूएसबी केबल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ओरिजिनल यूएसबी केबल ही होना चाहिए। आपने बहुत सारे चार्जर्स या फिर यूएसबी केबल देखे होंगे जो स्टेशन पर बहुत कम कीमत में मिलते हैं और आप उन्हें खरीद कर अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इससे शुरू शुरू में फोन तो अच्छी तरह चार्ज होता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता, उसके बाद इस चार्जर की गारंटी ज्यादा नहीं होती, इसलिए आपके फोन को वो स्लो स्लो चार्ज करते हैं। इससे आपके बैटरी बैकअप पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ख्याल रखें, आप जरूर अपने फोन को ओरिजिनल चार्जर से या फिर अच्छे चार्जर से भी चार्ज करें। और अगर गाइस आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो उसमें फास्ट चार्जिंग का चार्जर ही लगाएं, फास्ट चार्जर ही इस्तेमाल करें। अगली ट्रिक जो है वो जरूर आपके फोन की चार्जिंग स्पीड को जरूर बढ़ा देगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप अपने फोन को चार्ज कर रहे हैं तो उसका फ्लाइट मोड ऑन कर दें। जी हाँ, फ्लाइट मोड ऑन करने से क्या होता है कि नेटवर्क जो होते हैं वो पूरे बंद हो जाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह पूरे बंद हो जाते हैं और दूसरे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी पूरे बंद हो जाते हैं। इससे आपका फोन ज्यादा इंगेज नहीं रहता और पूरे कनेक्शन बंद होने के बाद आपका फोन एकदम स्विच ऑफ की तरह हो जाता है। तो आपको फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद ही चार्जिंग पर लगाना है, इससे आपका फोन बहुत स्पीड चार्ज होगा। अगर यकीन नहीं आता तो इस ट्रिक को अप्लाई करके जरूर देखें। अगली टिप जो है ये हमने से बहुत लोग नहीं करते, वो ये है कि फोन को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन जल्दी चार्ज हो तो आप उसको चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप एक इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बैटरी ड्रेन होती है और उसकी वजह से चार्जिंग होने के वक्त भी आपका फोन बहुत स्लो चार्ज होता है। उसके अलावा गाइस, अगर आपने अपना फोन किसी ऐसे चार्जिंग बोर्ड पर लगाया है जहां अपना फोन रखने की जगह नहीं है तो आप इन 3 स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, अपने वायर को मोड़ कर उसके अंदर फोन घुसा कर आप चार्ज पर रख दें। इससे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी और आपका फोन भी सही रहेगा। नंबर 2, एक पेपर एक फोन में डालकर उस पेपर को फोल्ड करके 2 होल करके चार्जिंग पोर्ट में फोन के साथ घुसा दे। इससे भी आपका फोन जरा भी आपको तकलीफ नहीं होगी और आपका फोन सही सलामत रहेगा। नंबर 3 ये है कि आप चार्जिंग पोर्ट में अपना चार्जर लगाकर और फोन कनेक्ट कर केबल से उसको सीधा इसी तरह छोड़ दे। इससे गाइस फोन की ग्रिप और चार्जर की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है और आपको लगेगा कि आपका फोन गिरने वाला है, लेकिन आपके फोन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से
किसी जगह पर अपने फोन को चार्ज पर लगा सकते हैं। बस यही सारे क्रिप्टो गाइस। और क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि आप इनमें से कौन सी चीज को करते थे और अभी उसको छोड़ने जा रहे हैं, जरूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, वरना इसको डिसलाइक करें। और अगर चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।